एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अब टाइम आ गया है कि आप लोग का 2022 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए, तो बहुत ही जल्दी आपके निफ्ट एप्लीकेशन आने वाले हैं। तो मैं रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको दे देती हूँ ताकि आप प्रिपेयर रहो अच्छे से और जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होने की वजह से वेबसाइट में प्रॉब्लम आने लगती है। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना। इसलिए जो भी आपका क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या स्टेप्स में आपके निफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे और कितना चार्ज लगेगा, वो सारी डिटेल मैं आज इस वीडियो में दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में जब डेट आ जाएगी तो क्लियरली मैं सारा चीज़ बता दूंगी। तो सबसे पहले निफ्ट 22 में जब रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारा उसका डिटेलिंग जो होता है ना, वो सारा आपको फॉर्म में फिल करना है। यानी 10th का, 12th का, आपको सबको पता ही होगा कि 12th में 50% से अबव आपको चाहिए होता है 12th में फॉर निफ्ट। आपकी एज अंडर 23 होनी चाहिए फॉर BDES, जो भी BDES के एस्पायरेंट हैं उनकी। उसके बाद आपकी स्कैंड इमेज होनी चाहिए, आपका जो फोटोग्राफ हो वो स्कैंड हो और सिग्नेचर भी स्कैंड हो। सिग्नेचर आप एक पेपर पे करोगे, उसको स्कैन करोगे, अच्छे स्कैनर तो आजकल बहुत सारे आ गए हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको स्कैन कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको पे करनी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस मैं बता देती हूँ किसकी कितनी लगने वाली है। फिर आपको उसको डाउनलोड कर लेना है एंड निफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि किसकी कितनी फ़ीस लगने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल वालों की। तो जनरल वाले जो कैंडिडेट्स हैं और OBC जो है, NCL वालों की लगेगी 2000 रुपीज़ और SC ST PWD की लगेगी 1000 रुपीज़। तो इस तरह से आप लोग का एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। आगे हम देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। तो जो भी बच्चे हैं वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को एक बार रेडी रखेंगे ताकि उस टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले एक वैलिड ईमेल आईडी, जो कि बार बार चेंज ना हो, क्योंकि वो ईमेल आईडी फिर आपकी पूरी निफ्ट जर्नी में चलने वाली होगी। डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 10th की, 12th की सारी मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, पर्सनल डिटेल्स आपके, फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी अगर आपके अंदर चश्मा लगाते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, SC ST यानी कास्ट सर्टिफिकेट, स्कैंड इमेज और सिग्नेचर मैंने भी पहले भी बताया था, फिर फोटोग्राफ भी आपकी स्कैंड होगी। उसके बाद स्कैंड फोटोग्राफ तो हो गया, फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड का डिटेल चाहिए होगा फॉर पेमेंट, और डिमांड ड्राफ्ट ज़रूरी होता है 2000 रुपीज़ का, जो आप लोग निफ्ट हो से पे करते हो। तो ये रही रजिस्ट्रेशन की डिटेल। आगे एडमिशन और आगे की डिटेल्स मैं डालती रहूँगी, तो डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।